छोड़ना ही पड़ा, तो समय भी जो है खत्म होता जा रहा है, कचरा जमा हुआ था। और ये रेलवे में बहुत सारे मशीन आपने देखे होंगे, और मेरे पुराने वीडियोस में भी आपने देखा होगा BCM मशीन, यूनिमेट, FRM, बहुत सारे मशीन के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। अगर नहीं देखा है तो जाकर के चैनल पे आप देख सकते हैं। तो आज बताने वाला हूँ इस UTB मशीन के बारे में। UTB मशीन क्या होता है, कैसे काम करता है, रेलवे के कितने सारे कामों को कैसे आसान बना देता है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो हेलो, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित कर ब्लॉग्स। तो आज आपको बताने वाला हूँ ये UTB मशीन के बारे में। ये UTB मशीन क्या काम करता है, रेल के कितने काम को कितना आसान बना देता है, और कितना यूटिलिटी है इसका। यूटिलिटी ट्रैक मशीन इसका नाम ही है, मतलब समझ लीजिए कि कितने काम की चीज़ है। तो आज इसके बारे में मैंने मेरे बॉस जो है आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, और क्या क्या काम होगा आगे वो काम को भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए समय आपका बर्बाद नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, भारतीय रेल की एक अच्छी उपयोगिता वाली मशीन के बारे में आज मैं बता रहा हूँ। इस मशीन का नाम है यूटिलिटी ट्रैक व्हीकल, और शॉर्ट में इसे हम UTV मशीन भी कहते हैं भारतीय रेल के अंदर। और इसे जो बनाती है वो है फुलटास कंपनी, जो पटना की कंपनी है। और इस मशीन में कम फ्यूल कंजम्पशंस हैं। इसका जो टैंक है वो 900 लीटर का टैंक आता है, और अप्रॉक्सीमेटली 10 लीटर पर आवर्स जो है इसका खपत है। दूसरी बात है कि इसमें एक कैब है जिस कैब से ये ऑपरेट होता है, और दूसरी ये इसमें एक क्रेन लगा होता है जो हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड क्रेन होते हैं। और इसके द्वारा हम जो है 3 टन वेट तक माल को, और ट्रैक सेंटर से 8 मीटर की दूरी तक, उसके लेफ्ट राइट जो भी है 8 मीटर की दूरी तक हम रेल से या कंक्रीट स्लीपर्स वगैरह इसे हम उठा सकते हैं। ये काफ़ी उपयोगिता वाली मशीन है, और इसमें विशेष करके ये ध्यान रखना पड़ता है कि OHE ओवरहेड वायर जहाँ भी होते हैं, अगर वहाँ पे अगर इसे हमको इस मशीन का उपयोग करना हो तो इसका ब्लॉक लेना पड़ता है। OHE को शट डाउन करने के बाद ही हम इस मशीन का उपयोग करेंगे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके साथ एक BFR अटैच रहता है, जो सामने मैं दिखा रहा हूँ, एक BFR है जो फ्लैट बोगी इसे बोलते हैं। और इसमें हम 13 मीटर लंबा रेल जो है मैक्सिमम उठा सकते हैं, और इसकी जो फुल कैपेसिटी 50-55 टन जो भी है उस हिसाब से मैं स्लीपर भी इसमें उठवा सकता हूँ। तो ये खास बात है, ये इसमें जो है इस क्रेन एक वर्टिकल सिलेंडर लगे होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लगे होते हैं, और इसमें टेलीस्कोपिक क्रेन आर्म होते हैं। टेलीस्कोपिक ये जो है 8 मीटर तक निकल सकता है, 2 स्टेज में निकलता है, और इसके द्वारा हम जो है सो कहीं से भी मटेरियल को ले करके आराम से इस BFR पर हम जो है ला सकते हैं। ये ऑपरेटिंग पैनल है जो कैब में है, और इसके द्वारा हम जो है सो आगे पीछे इसको करते रहते हैं, और जहाँ जहाँ मटेरियल रहता है उसको हम जो है आराम से उठाते रहते हैं BFR के अंदर। और ये जो है इसमें ये स्वाइवेल होता है जो राउंड मतलब 360 डिग्री पर ये क्रेन घूम सकता है। और इसमें ये आप देख लीजिए, ये रेल उठाने के लिए एक इक्वलाइजिंग बीम है लगा हुआ, जिसको हम ये लिफ्टिंग हुक में फंसाते हैं आराम से, और इसके द्वारा जो है 2 पॉइंट पे इसको जो है लिफ्ट करते हैं रेल को। और स्लीपर उठाने के लिए हम लोग अलग एक डिवाइस है उसको यूज करते हैं। ये जो एक्सटेंशन आर्म है ये 3 स्टेज में निकलता है, 3 स्टेज में निकलने के बाद ये 8 मीटर का जो है लेटरल जो डिस्टेंस होता है उसको कवर करते हुए 8 मीटर की ट्रैक सेंटर से 8 मीटर की दूरी से रेल्स हो या स्लीपर्स हो या उस टाइप का और बहुत सारे कुछ आइटम्स है जो रेल में यूज होते हैं, तो उसको हम लोग उठा सकते हैं। ये ऑपरेटिंग लीवर है जो 4 लीवर है, इसके द्वारा हम जो है इसको लोअरिंग करते हैं या रिवॉल्व कराते हैं, इस टाइप का इससे जो है इससे ऑपरेट होता है। इसमें ये वर्टिकल सिलेंडर है जो इसकी हाइट को ऊपर करता है, ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है जिसके वजह से ये स्ट्रेट होता है, डिस्टेंस तक इसका बूम जो है जाता है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर कर्वेचर वगैरह में अगर उठाना हो रेल से या स्लीपर्स वगैरह, तो हमें जो है चार कॉर्नर पे ये जो है लगा हुआ है, ये वर्टिकल सिलेंडर लगा हुआ है। इसको जब हम नीचे बेस मतलब वुडन ब्लॉक दे करके जब इसको रेस्ट कराते हैं तो इसका बेस जो है चौड़ा हो जाता है, और लोड लेने की कैपेसिटी इसकी बढ़ जाती है। नहीं तो ये कर्वेचर में
ओवर टर्न होने की संभावना रहती है, तो उससे सेफ रहने के लिए हम ये जो आपका जो है चारों कॉर्नर पे लगा हुआ है, बेस लगे हुए हैं, इस बेस को हम लोग लोअरिंग करके और हाइड्रोलिक सिलेंडर इसमें लगा हुआ है जिसके द्वारा हम इस बेस को चौड़ा कर लेते हैं और इस तरह से स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये जो आप स्लीपर देख पा रहे हैं और अभी हम इसको यूटीवी मशीन में लोड करेंगे, तो ये मशीन आ चुका है यूटीवी। अभी इसमें टीआरडी स्टाफ जो हैं ये लगाएंगे अभी अर्थ रोड, ताकि ये ओएचई का ऊपर जो वायर जाता है इसका करंट को न्यूट्रल किया जा सके, ख़त्म किया जा सके, ताकि वो मशीन का बूम जो है उठे तो कोई रिस्क ना रहे, सेफ्टी पूरी रहे। अब ये मशीन का ऑपरेशन मैं बता रहा हूँ, ये इसका जो बूम है ये इन्होंने लिफ्ट किया है, अभी तो घुमा करके ये जो है लाएंगे जहाँ से माल उठेगा। वो स्लीपर है, इसी जगह स्लीपर उठाना है, उसमें स्क्रू टाइट किया जा रहा है, उसके द्वारा जो है उसको पकड़ करके वो जो चैन लगे हुए हैं उस चैन के सहारे इसको हम उठाएंगे। और वो ओएचई है, चूँकि ऊपर में ओएचई वायर है इसीलिए वहाँ पे देखिए एक अर्थ रॉड लगा दिया गया है, अर्थ रॉड लगा दिया गया, इसको डेड करके इलेक्ट्रिक जो है डेड कर दिया गया है, 25 KV का जो ऊपर में ओवरहेड वायर है, और तब इसका काम कर रहे हैं। नहीं तो क्या है कि इसमें हजार सोने की संभावना है, एक्सीडेंट होने की संभावना है। ये जो है इसका टेलीस्कोपिक बूम को निकाला जा रहा है, 1 स्टेज में निकला है, क्योंकि डिस्टेंस उतना ही है इसलिए ज़्यादा नहीं निकला है, ऐसे 2 स्टेज और निकल सकता है और ये और 8 मीटर की दूरी कवर कर सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ नज़दीक में है ट्रैक सेंटर से इसीलिए एक ही जो है टेलीस्कोपिक बूम जो है निकाला गया है। अभी देखिए किस तरह से इसको फंसाया गया है, चैन के सहारे स्क्रू स्पाइक लगा दिया गया और चैन के सहारे इसको उठाया जा रहा है। देखिए किस तरह से बैलेंस होके उठ रहा है, ये उठते हुए देखिए कितनी उपयोगिता वाली मशीन है ये, और देखिए इसको जो है ऊपर उठाया जा रहा है, इसको बैलेंस करके ताकि टकराए नहीं BFR से, और इसको देखिए किस तरह से उठा करके ऊपर BFR पे डाला जा रहा है, इसमें कर ऊपर दो वर्कर नीचे बैलेंस करके इसको ऊपर ले करके जाया जा रहा है। ये देखिए किस तरह से रखा जा रहा है, ये काफी उपयोगिता वाली मशीन है यूटी। इतना क्विक काम करना है ये ऑपरेटर पर डिपेंड करता है, ये ऑपरेटर और वर्कर के स्किल पे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी हम इस काम को कर सकते हैं। 1 घंटे में जनरली जो है 150 स्लीपर तो उठा ही लेता है ये, और 25 रेल कम से कम उठा लेगा 1 घंटे के अंदर, 25 से 30 रेल। ये देखिए किस तरह से जो है इसको हैंग करके ऊपर ले करके जा रहा है काफी सेफ्टी के साथ। ये देखिए किस तरह से हुक फंसा हुआ है चैन के सहारे बूम में, और आराम से रखते हुए ये बहुत ही इजी और ही जो है अच्छा मशीन है ये। अभी देखिए ये जो है 2 बूम बाहर निकाला है टेलीस्कोपिक बूम जो है, और तीसरा अगर निकाल लेता है तो ये 8 मीटर का जो रेडियस है उसको कवर करेगा। देखिए ये जो है कैब के द्वारा जो है आगे पीछे किया जा रहा है, लेकिन ऑपरेटर जो है वो बैठा हुआ है इधर क्रेन के बैक में जो वहां से ऑपरेट होता है, ये दोनों अलग अलग सेपरेटली ऑपरेट होता है। कैब के द्वारा हम मूवमेंट करते हैं मशीन का, और क्रेन का मूवमेंट हम जो है क्रेन के नीचे जो ऑपरेटिंग सीट बैग लगा हुआ है वहां से ऑपरेशन सिस्टम्स लगे हुए हैं और वहीं से हम लोग जो है कैब में ये क्रेन का संचालन करते हैं, इसमें किया जाता है क्रेन का संचालन वहीं से किया जाता है। ये टोटली हाइड्रोलिक मशीन है, इसमें 3 और 2 5 सिलेंडर लगे हुए हैं हाइड्रोलिक सिलेंडर जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए ये किस तरह से हैंगिंग किया जा रहा है स्लीपर को, जो मटेरियल है स्लीपर उसको उठाया जा रहा है, और ये चैन और हुक के सहारे और स्क्रू स्पाइक उसमें टाइट कर देते हैं इसका जो डॉवेल है स्लीपर में,
अगर इंसर्ट रहता तो कोई जरूरत नहीं था कि ये स्क्रू स्पाइक और ये पेंडोल क्लिप लगाया जाए, तो डायरेक्ट इंसर्ट में जो है उसका हुक फंस जाता। लेकिन यहाँ पर चूंकि उस तरह का स्लीपर ये नहीं है, ये डॉवेल लगा हुआ है, इसलिए हम लोग इस तरह से उठाते हैं। और ये टेलीस्कोपिक बूम जो है वो आगे पीछे करके मटेरियल के पास एडजस्ट करके वो पहुंचता है, और अगर ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है मटेरियल का तो हम कैप से संचालन करके पूरे मशीन असेंबली को ही आगे बढ़ा लेते हैं, जैसा कि अभी बढ़ाया गया है। पूरे असेंबली को हम लोग बढ़ा करके मटेरियल के पास एडजस्ट कर लेते हैं, फिर क्रेन के सहारे देखिए किस तरह से उसका टेलीस्कोपिक बूम जो है वो एक्सटेंशन से कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा है, तो आगे पीछे करके हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं। इसमें एडजस्टेबल सिस्टम ये जो है बड़ा बेजोड़ सिस्टम है ये। इसमें होल में कचरा जमा हुआ था और ये उल्टा था, इसको सीधा किया गया, काफ़ी परेशानी हुई। जिस तरह से ये देख पा रहे होंगे, देखिए इसमें कचरा चला गया है, और इसको साफ करके अभी इसमें हम लोग पिन लगाएंगे। तो इस वाले को इसके अंदर कचरा गिरा हुआ था तो उसको छोड़ना ही पड़ा, और उसके बाद ये दूसरे वाले में हाथ लगा रहे हैं, क्योंकि ये पिन जो है ये बोल्ट ये उसमें नहीं लग पाया। तो हम लोग आगे फिर आ गए, उसको लास्ट में देखते हैं क्या कर पाते हैं, क्योंकि टाइम भी बढ़ता चला जा रहा है, ब्लॉक का समय भी जो है ख़त्म होता जा रहा है। और बेसिकली ये है तो लूप लाइन, लेकिन ये बिजी लाइन है, इसमें गाड़ियाँ होती रहती हैं, फिर ब्लॉक भी बहुत टाइट मिलता है इसमें। जैसा कि पहले बताया, कुछ स्लीपर जो थे वो उलट के रखे हुए थे, उनमें से ये है, ये होल जो देख पा रहे हैं इसमें हम पिन नहीं लगा पा रहे थे, तो इनको इस तरह से सीधा किया जाता है। ये ऑपरेटर इस तरह से बूम को हैंडल करता है, किरान को हैंडल करता है, देखिए इस तरह से। मेरे को लगता है काफ़ी वीडियो आपको मैंने लोडिंग का दिखा दिया। तो ये था यूटीवी मशीन में किस तरह से लोड करते हैं, और आगे एक हमारा और बचा हुआ है, उसको भी लोड करना है, तो उसको लोड करके और फिर ये काम आज का ख़त्म होगा। चलते हैं वहाँ साइड पे। इसमें अभी तक तो छोटा स्लीपर लोड कर रहे थे, ये बड़ा स्लीपर है 73 नंबर, इसको लोड करते हैं। इसमें हमें पेंडल क्लिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें डायरेक्ट इंसर्ट में ये इसका पिन जो है फंस जाएगा। ये हमारा एक लास्ट स्लीपर निकल गया है। तो यही था यूटीवी मशीन। होप वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के किसी अगले वीडियो में, किसी रोचक मुद्दे के साथ, रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हर हर महादेव।